प्रणाम दोस्तों। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे यति दूर, फल लागे यति दूर। इसी प्रकार मानव जीवन में बड़ी बन जाने से, ज्यादा संपन्न बन जाने से कुछ फायदा हो तब ना, लोगों की सेवा करे तब ना, बड़े बन जाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप छोटे वृक्ष बनिए, आप छोटे वृक्ष बनिए, लोगों को छाया दीजिए, फल दीजिए, और एकदम लंबा हो जाने से, जैसे खजूर की पेड़ है, इतना लंबा हो जाता है, इतना ऊपर हो जाता ना, उसमें कोई लोग चढ़ सकते हैं ना, उसकी कोई सहारा ले सकते हैं ना, उसका छाया भी नहीं रहता, यहाँ तक के पंछी को भी छाया नहीं मिलता। तो इस प्रकार बड़े होने से कोई लाभ नहीं है। छोटे बनो, अच्छे बनो, बढ़िया बनो, ये कहना है, मेरा भी कहना है, यही संतों की कहना है, ऋषि मुनियों की कहना है, उनके ही द्वारा तो ये लिखा गया है। वो हमेशा सोच विचार कर लिखते हैं। अब देखिए, एक सुई जो है बहुत सारा काम कर लेता है और एक तलवार नहीं कर पाता, जैसे कपड़े की सिलाई तलवार नहीं कर पाएगा, इसी प्रकार वृक्ष जो है बड़ा वाला, वो छाया नहीं देगी, छोटा वृक्ष छाया देगी। तो भाई छोटे बन के जियो, इसका मतलब ये नहीं है छोटे का मतलब इतना छोटे कि उनमें भी काम ना आ सके, ऐसा नहीं है। मीडियम बनो, अच्छे बनो, छोटे बनो, बड़े बनो, मेरा तो कहना ये है, लेकिन अच्छे काम करो, अच्छे निर्वहन करो, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने जिले के लिए, अपने गांव के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, सबके लिए नेक काम करो। और नेक काम करोगे तो नेक का फल हमेशा मीठा होता है, कड़वा नहीं। इसलिए फिर मैं आया हूँ, लोगों को मैं क्या समझाऊंगा, मुझे लोग समझाएं, कमेंट करें, अरे बुद्धू, किसी ने तो मुझे कह दिया, अरे पागल, गोल्डन शायर कहते हैं, तो कहने दीजिए ना, इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। किसी को पागल कह दो और उसमें गोल्डन लगा दो और उसके बाद उसको शायर कह दो, बड़ी बात है ना। इस प्रकार से किसी को पागल भी कहो तो कुछ और नए अंदाज से कहो, किसी को और कुछ कहो तो कुछ और नए अंदाज से कहो, तो इस प्रकार उनको भी लाभ है, उनको भी आनंद आएगा, और वो सुनने वाला गाली नहीं समझेगा, इनको प्रेम रूपी प्रसाद समझेगा और ग्रहण करेगा। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को फिर चेल टोडर को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, तभी ना मैं आगे बढ़ूँगा। और बार बार प्रणाम, सबको प्रणाम, मेरे गांव वासियों को प्रणाम, मेरे देश को प्रणाम, मेरे भाइयों को प्रणाम, मेरे बहनों को प्रणाम, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा, तो फिर आऊँगा जब आप लोग लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर शेयर कर दो, शेयर कर दो, और ज्ञान रूपी संसार आप भी बांटो, हम भी बांटें, सबकी सुनो, हाँ, और अपने मन की करो, अपने बुद्धि से करो भाई, मन तो चलायमान है, चलता रहेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, हाँ, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, अपने दया के अनुसार, निस्वार्थ के अनुसार आप ऐसे काम करें
ऐसे काम करें कि जग में आपका तो नाम हो, आपके साथ साथ जग वालों का भी नाम हो। ठीक है? अच्छा, तो प्रणाम, बारंबार प्रणाम, सहस्त्र बार प्रणाम, सबको प्रणाम।